बदतमीजी की कोई हद नहीं होती है। फिर उसको अरेस्ट करने से वो 22 थप्पड़ मारना, मतलब भाई ये बेचारा वो एक भी नहीं मारा। उसके जगह पे कोई और होता तो 2-3 तो बजा ही देता था। आपने फेक फेमिनिज्म का गलत फायदा उठाते हैं। तो आई थिंक शी शुड बी इन जेल नाउ। क्या बोला, अभी उनकी कोई प्रॉब्लम होगी इसलिए। उसने ऐसा मारा था वेरी बैड उसे, कि उसको वही कुंफो कराटे खेलने का इतना शौक था, ऐसे मार रही थी। बहुत गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई ओनली वांट टू से कि जो वो ओला ड्राइवर ने इज्जत दिखाई ना, कि उसने पलट के थप्पड़ नहीं मारा, वो उनकी सीख और उनकी अच्छाई और उनकी अपब्रिंगिंग को दिखाता है। एंड दैट्स द काइंड ऑफ मेन दैट ऑल ऑफ इंडिया नीड्स। एंड व्हाट दैट वुमन डिड वाज, एक औरत होने का उसने फ़ायदा उठाया और कुछ ज़्यादा ही, मतलब बदतमीजी की कोई हद नहीं होती है। पूरा फुटेज सीसीटीवी में तो सामने आया। वो आई एम जस्ट सेइंग कि उस आदमी को मेरा सैल्यूट। ओला ड्राइवर का, ओला ड्राइवर को जो लड़की ने बोला 22 स्लैप मार, 22 स्लैप दिए उसको। क्यों, क्या उसकी गलती नहीं थी? वो भी पूछ रहा था क्यों मारे। फिर उसको अरेस्ट करने की फीमेल इज़ गलत नहीं थी तो कैब ड्राइवर को मारी थी वो लड़की। हाँ यार, मतलब क्या चल रहा है आजकल समझ में नहीं आ रहा है। बेचारे वो खामखा उसको मार दिया इतना। चलो ठीक है, एक टाइम पे मैं मान भी लूँ सिग्नल उसने ब्रेक भी, मतलब वो लगा दिया था, मतलब वो सिग्नल क्रॉस कर रहा था, यू नो रेड को जंप कर रहा था, लेकिन फिर भी वो एक्शन लेना किसी इंसान को नहीं दिया गया। वो एक्शन, वो पावर दी गई है पुलिस को करने की। वो पुलिस को बोलती थी और पुलिस के बाद में एक्शन लेती थी तो वो सही होता था। और 22 थप्पड़ मारना, मतलब भाई ये बेचारा वो एक भी नहीं मारा। मेरे उसके जगह पे कोई और होता था तो 2-3 तो बजा ही देता था, क्योंकि इतना कोई सहता नहीं है जितना उस आदमी ने सहा है। यहाँ पे क्राउड भी था, पुलिस भी थी, हवलदार, ट्रैफिक हवलदार भी था उधर। क्राउड सरप्राइज कि यू नो अभी ऐसा पावर आ गया है कि भैया हम आदमी लोग तो कुछ कर भी नहीं सकते, ऐसा हाल हो गया। यू नो वी कांट इवन लाइक यू नो टेक एक्शन। मतलब खाते रहो, 22 मारे, 30 मारे, 50 मारे, वो बेचारा बोलते रहा, मोबाइल तोड़ दिया। वही पूछ रहा मेरी गलती क्या है। नहीं, एब्सोल्युटली यू नो नॉनसेंस। एंड अभी उसके थोड़े बहुत इंटरव्यूज में देख रहा था, कुछ भी बकवास बोल रही है, 200 लोग मारने आ रहे थे, ये वो। मतलब आई फील सो बैड फॉर दैट मैन, बिकॉज क्या है कि कोई भी अपने आप को कुछ भी हो जाए, वो अपने आप को 22 बार थप्पड़ मारते हुए वो रिकॉर्ड हुआ, वो पूरी जनता ने देखा, उसके कॉन्फिडेंस पे और एज अ ह्यूमन बीइंग उसके आदमी के वो जो एक बोलते ना कॉन्फिडेंस पे कितना एक हावी हो जाता है कि यार मेरे वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं जहाँ पे लोग मेरे मुझे देख रहे हैं। बट आई जस्ट वॉन्ट टेल हिम दैट पूरा इंडिया उसके साथ है। वो लड़की ने जो मारा था 22 थप्पड़, हाँ वो अच्छी बात नहीं है ना। वो लड़की ने ऐसा मारा था वेरी बैड उसे, कि उसको वही कुंफो कराटे खेलने का इतना शौक था, ऐसे मार रही थी। कैसे मार रही थी, कैसा? हाँ एक बार वापस उधर, लेकिन बहुत सारी पब्लिक भी थी, कुछ किए नहीं। ऐसे मार रही है भाई, ऐसा कौन मारता है? ऐसा कोई मारता है क्या? नहीं नहीं। अरे ये कौन सा, कहाँ से आई है ये? चाइना से आई है क्या? लखनऊ की है। लखनऊ की है? लखनऊ में हुआ ना वीडियो वायरल। लखनऊ के लोग तो बहुत अच्छे होते हैं। लखनऊ में नवाब लड़कियाँ होती है, अच्छी लड़कियाँ होती है वहाँ पे। कितने IPS है? मेरे को तो लग रहा है वो TRP में थोड़ा आना चाहती है। हाँ शायद उसको बिग बॉस में जाना होगा। बिग बॉस में आएगी तो यहाँ पे तो सब ऐसे करके मारेंगे उसे, फेल देंगे। जिस दिन ये बिग बॉस में आएगी मैं जाना चाहूँगी, खूब मारूंगी मैं। कैसे? पकड़ पकड़ के। कैसे? ऐसे कैसे मारती है ना, उछल उछल के मार रही थी। उछल उछल के मार रही थी। इसको बोलो जाके बॉर्डर पे रहे, बॉर्डर में हमको ज्यादा जवानों की जरूरत है। हैं? इतना मारने का, जब जाओ ना बॉर्डर पे दुश्मनों को मारो भाई। और ड्राइवर पूछ भी रहा मेरी गलती क्या है मैडम। हाँ गलत है ना, बेकसूरों को मारते हो ड्राइवर। चलो मैं मानती हूँ कुछ ड्राइवर अच्छे नहीं होते हैं, मैं मानती हूँ जब, लेकिन कानून भी तो है कि नहीं? कानून हाथ में लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, बताओ? नहीं लेना चाहिए हमको, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए दोस्तों। अब मेरे साथ भी कुछ होता है, पहली बात तो मेरे को देख के तो कोई कुछ करेगा नहीं, बट फिर भी दूसरी लड़कियों के साथ भी अगर करते तो पुलिस के पास जाओ, नहीं तो उसका वीडियो बनाओ ना। अगर उसने कोई बदतमीजी करी है आप वीडियो बनाओ ना। आपके पास फोन, हर आजकल हर इंसान के पास अच्छा फोन होता है,
जो इंसान बदतमीजी करता है वीडियो बनाओ, प्रूफ रखो, पुलिस स्टेशन में जाके चुपचाप चले जाओ पुलिस स्टेशन में। बहुबली थी ड्राइवर की नली, वो बहुबली थी, वो कि काली थी उसने, हाँ नहीं ये गलत है, हमारे महिलाओं के लिए बहुत अच्छे कानून बनाए गए हैं और हमें उसका रिस्पेक्ट रखना चाहिए। हर इंसान है, ठीक है, कभी कभार इंसान से गलती हो जाती है, हर ड्राइवर बुरा नहीं होता, कुछ लोग होते हैं हर ड्राइवर बुरा नहीं होता, कभी कोई स्विगी वाले पे हाथ उठा देता है, कभी कोई ड्राइवर पे हाथ उठा देता है, ये गलत बात है। और टैक्सी वाला ओला वाला था जो लड़की का तो मारम पीटी किया था, उसके ऊपर क्या बोला? क्या बोला, उनका कोई ड्राइवर का कुछ गलती नहीं था ना, तो मैं फाइंड आउट करूंगी, कल बताऊंगी। बाय बाय। जो लखनऊ में जो कैब ड्राइवर का चल रहा है सीन, कैब ड्राइवर का न्यूज़ देखा मैम आपने? मैंने देखा, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि फेमिनिज्म के नाम पे जो लड़कियां अब तमाशे करने लग गई हैं, स्टॉप इट। फेमिनिज्म मतलब इक्वल अथॉरिटी दैट यू वांट, नॉट दैट तुम किसी को भी थप्पड़ मार दोगे और तुम फेमिनिज्म नो। तो आई थिंक शी शुड बी इन जेल नाउ। मैं 22 थप्पड़ मारा भी है, 22 थप्पड़ मारा मैंने, स्लैप 22 स्लैप। वो भी तो कह रहे कि मुझे 100 लोगों ने मारा है। मैं उन सबके वो देखना चाहती रियल फुटेज। थैंक यू। वीडियो वायरल हो रहा है जो लड़की का बदसलूकी की थी ड्राइवर से, ओला वाला जो ड्राइवर था, तो हाँ स्टोरीज देखी लोगों की, वीडियो तो नहीं देखा मैंने। वो यानी बच्चों की करी मारम पीटी करी थी उससे, आपने भी देखा? फेमिनिज्म, फेमिनिज्म का गलत फायदा उठाते हैं। अब क्या बोलना चाहिए आप, एक लड़की है? मैंने पूरी वीडियो देखी नहीं, अगर ये बोल रही फेक रिम जी आप बोल रहे आई डू फील दैट फेमिनिज्म कभी-कभी मोस्टली आजकल लड़कियां गलत तरीके से यूज कर रही हैं, स्पेशली आफ्टर व्हाट हैपेंड विद द समाटो गाय। एंड आई थिंक दिस इज टोटली रॉन्ग, बिकॉज एक जगह हम चाहते हैं कि लड़कियाँ उभरे, और कुछ लड़कियाँ हैं जो फेक फेमिनिज्म करके, फेमिनिज्म का गलत इस्तेमाल करके लड़कियों को उभरने नहीं दे रही है, बिकॉज फिर लोगों को लेकिन लड़कियों की इमेज खराब हो जाती है। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन नॉट टू यूज फेमिनिज्म इन द रॉन्ग वे, बिकॉज लड़कियाँ उभरना शुरू हो रही हैं, हमें ऐसी गलत चीज़ें करके वो रोक नहीं देना चाहिए। ड्राइवर से बदसलूकी कर रही थी जो मारते हैं, लखनऊ वाले वीडियो, लखनऊ का वायरल, कैब ड्राइवर को लड़की ने? नहीं, मैं कुछ आइडिया, पिछले 4 दिन से मैं बीमार हूँ, मैं कमरे से बाहर नहीं निकली हूँ, आज पहले दिन निकली हूँ, तो मुझे पता नहीं क्या हुआ है, तो डेफिनेटली आई लुक इन टू इट, मैं देख के डेफिनेटली आई सी व्हाट इट इज, तो आप ही बोल दो। वीडियो वायरल हो रहा है वो आपने देखा होगा, वो लड़की है कैब ड्राइवर को जो मारती है लखनऊ में, वो जो 22 थप्पड़ मारा वायरल हुआ था, ऐसा हो रहा है? मुझे नहीं पता, मैं सच बताऊँ मैं बहुत ट्रैवल कर रही हूँ, अभी मेरी शूटिंग चल रही है ना, मुझे नहीं पता, अगर ऐसा हुआ था तो आई होप दोनों ठीक है, और मुझे नहीं पता, उन्हें सच में कुछ नहीं पता इस बारे में, आई एम सॉरी, मैं सच में बहुत यहाँ बॉम्बे से लखनऊ, बॉम्बे से लखनऊ कर रही हूँ ना, इसलिए अभी ज़्यादा लखनऊ का है, लखनऊ का है, लखनऊ में कहाँ न्यूज़ पेपर पढ़ रही हूँ। हम किसी को मारना कितना सही है, बहुत गलत है,